वो कर लो, जूम कर लो। दोस्तों बात करेंगे मोदी जी के ढकोंसलों पर, मोदी जी के उन ढकोंसलों पर जो वो गाहे बेगाहे करते रहते हैं अपनी सभाओं में और उत्सवों पर, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे दशहरा हो, जहां वो तीर चलाते हैं, जहां वो कमान चलाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं विपक्ष पर कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और शराब जैसी चीज़ें उनको याद रहती हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर। उनको ये नहीं लगता कि उनका भाषण बच्चे भी सुनते हैं, 8-8 साल के, 4-4 साल के, जिनको शराब का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी वो शराब का नाम लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का नाम लेते हैं जो एक गरिमा में प्रधानमंत्री को नहीं लेनी चाहिए। एक वानगी जरा देख लीजिए, उसके बाद बात शुरू करते हैं। मतलब शराब शायद उनके मन पर एक बोझ है इसका, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है तो अब बारी है, पर लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ये बानगी आपने देख ली होगी साहब, मोदी साहब की, जो मोदी साहब कहते नहीं हगाते कि साहब मैं इंडिया को इतना आगे ले आया, इतना आगे मैं कर दिया, मैंने इंडिया को इतना काम कर दिया। इनके लोग जो बोलते हैं कि अरे साहब मोदी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता, अभी तक तो बहुत काम हो गए, लेकिन उनसे बोले कि भैया चार काम गिना दो तो चार काम गिनाने में वो अक्षम होते हैं। केवल उनके दिमाग में एक ही एजेंडा घुसा गया है, हिंदुत्व संघ और कांग्रेस विरोधी एजेंडा जो मोदी जी चला रहे हैं कांग्रेस के विरोध में बोलने के हिसाब से। लेकिन मेरा यह कहना है कि मोदी जी आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, लेकिन देश की जनता समझदार है, उसको बेवकूफ़ मत समझिए। बेवकूफ़ एक बार बना सकते हैं आप टेक्नोलॉजी के द्वारा, पैसे के द्वारा, बार बार नहीं बना सकते। आप वोट खरीद सकते हैं एक बार, बार बार नहीं खरीद सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का इंसान समझदार है, वो आपके सारे ढकोसलों को जानता है। जिस कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप ढकोसला बोल रहे हो, जिस कांग्रेस की उस वायदे को आप ढकोसला बोल रहे हो, जिसमें राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि वो 72,000 रुपये सालाना उन गरीबों के परिवार की महिला के खाते में डालेंगे जो उस परिवार की मुखिया की पत्नी होगी, तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर पति के खाते में गया तो हो सकता है कि पति शराबी हो तो उन 72,000 रुपयों को गंवा दे। वो महिला के खाते में जाएगा, महिला उसकी मालिक होगी। ये सबसे बड़ी पहल है और ये सच्चाई है जो राहुल गांधी ने R&D करके डाली है, वरना वो कह सकते थे घर के मालिक के खाते में पैसे आएंगे, घर की औरत के बारे में ना बोलते। जबकि घर का मालिक सोसाइटी से जुड़ा होता है, वोट वही डलवाता है, घर की औरत नहीं जुड़ी होती है। तो राहुल गांधी का एक ये वादा, और दूसरा वादा कि किसानों का वो कर्ज जो होगा वो ऑफेंसिव नहीं रहेगा, उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकती कोई पुलिस उनको, वो छोड़ दिए जाएंगे, उनसे कहा जाएगा भाई निपटा दीजिए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्रिमिनल केस उन पर नहीं होगा, उनकी ज़मीन जब्त नहीं की जाएगी। तो ऐसी चीज़ें लेकर के राहुल गांधी आए हैं, लेकिन मोदी जी आप इसके बदले क्या लेके आए हो? राष्ट्रवाद। आप क्या लेके आए हो? हिंदुत्व। राम मंदिर आपके मुद्दे से गायब हो गया है। आप अपनी योजनाएं गिनाने में अक्षम हो, क्योंकि राहुल गांधी ने 72,000 की घोषणा करके आपके मुंह पे जूता मारा है और उस जूते की जो निशान है वो अपने गाल से आप मिटा नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जो राहुल गांधी लेकर के आई है, जो राहुल गांधी लेकर के आए हैं और जो कांग्रेस लेकर आई है, उन लोगों को पता होना चाहिए कि गरीबों के बारे में कांग्रेस कितना अच्छा सोचती है। और मोदी जी की कोई एक भी ऐसी योजना अभी तक उन्होंने अपने मुँह से नहीं बोली है जो वो बोल सकें। ना तो उनकी गैस वाली योजना कामयाब हुई, ना कोई योजना कामयाब हुई, बस कामयाब हुए तो वो उद्योगपति जो देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो।